शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप और हम सभी यहाँ क्यों उपस्थित हैं? भट्टी करने। भट्टी किसको कहते हैं? जब मट्टी का ईंट बनाते हैं वो पक्का होना चाहिए, मजबूत, तो उसको भट्टी में पकाते हैं तो मजबूत होता है ना। बाबा चाहता है मेरे एक एक बच्चे ऐसे मजबूत हो तो सारे कल्प में सुख शांति से संपन्न रहे, सिर्फ एक जन्मों के लिए नहीं, सारे कल्प है ना, सारे कल्प का ये मकान है। सृष्टि पर भगवान आके सारे कल्प के लिए सृष्टि रचे, तो उसके अंदर हर एक बच्चों को सदा के लिए सुख शांति मिलनी चाहिए। लेकिन अपने आप मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान ने और साइंस ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए, ऐसा किया नहीं। नियम यह है कि आज भी धरती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना आज भी ये धरती देती है। तो विधान ये है, कुछ करने से कुछ प्राप्ति होती है, तो हमें क्या करना चाहिए प्रश्न है। तो बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तीन प्रकार के बच्चे हैं, स्कूल में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। इस सारी सृष्टि में भी तीन प्रकार है, एक राजा है, एक है रॉयल फैमिली राज परिवार, और एक है प्रजा। ये तीनों चाहिए। और शिव बाबा इस धरती पर आकर प्रजा योग नहीं सिखाता, राज योग सिखाता। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है मेरे बच्चे राजा बने, नंबर 1 बने। भगवान माँ बाप भी चाहता है कि मेरे बच्चे नंबर 1 में है। लेकिन वो कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा ना, कुछ करना पड़ेगा।